नाजरीन, जिस शहर में हम इस वक्त खड़े हैं मानसेरा, मानसेरा की आबादी 17 लाख से तजावज कर चुकी है और मानसेरा सियासी एतबार से भी खासी अहमियत रखता है क्योंकि सूबाई काबीना में अब भी मानसेरा से 3 सूबाई वजीर शामिल हैं जबकि 1 वफाकी वजीर बराए मुमलिकत सरदार शाहजहां यूसुफ साहेब और मशीर बराए वजीर आजम सैयद कासिम शाह का तल्लक भी इसी ज़िला से है जबकि हाल ही में सेनेट और JUI से इस्तीफ़ा देने वाले आज़म खान स्वाती का तल्लक भी इसी शहर से है, वो भी इसी शहर के बासी हैं। तो मानसेरा में जो सियासी तब्दीली इस वक्त रुनुमा हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में, पूरे पाकिस्तान की तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए ये तब्दीली खासी अहमियत की हामिल होगी। तो आज का ये पिंडाल, आज का ये वर्कर कन्वेंशन से हम जानने की कोशिश करेंगे, हम इनके कुछ रहनुमाओं से भी बात करेंगे कि उनकी क्या प्लानिंग्स हैं 15 दिसंबर के जलसे को, वो कैसे तैयारियाँ कर रहे हैं उसकी और उसको कैसे कामयाब बनाया जा सकता है। व्यूवर्स, अभी वर्कर कन्वेंशन कुछ ही देर बाद यहाँ पर और भी रैलीज़ शिरकत करेंगी बालाकोट से भी, लेकिन सरदार खान साहब जो हैं वो अपने कारकुनों के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। सरदार खान जो हैं वो ज़िले ही सदर हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मानसेरा के, उनसे जानते हैं कि क्या प्लानिंग्स हैं इस वर्कर कन्वेंशन के हवाले से और आने वाले 15 दिसंबर 2011 को जो जलसा है खानपुर में इमरान खान साहब का, उसके हवाले से क्या प्लानिंग आपकी इस वक्त चल रही है। खानपुर के वाले से आप पूछें, खानपुर के वाले से ये कि खान साहब बड़े टाइम के बाद आ रहे हैं अजारा में, तो बड़ा जोश है लोगों में, कारकुनों में ख़ास तौर पर और स्टूडेंट्स में ख़ास तौर पर, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह हमारी प्लानिंग है कि एक बड़ा जुलूस इंशाल्लाह मानसरा से जाएगा और मुझे लगता है कि हमारा सबसे इम्प्रेसिव मतलब हालिया जो इतनी बड़ी तब्दीलियां आई हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, जो एक पाकिस्तान की सियासत में जो तहरीके इंसाफ तब्दीलियां लेकर आई है, उसमें आप पहला जो दौरा इमरान खान साहब का जो है हज़ारा में, उसको कैसे देख रहे हैं, ये कितना एक इफेक्टिव होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के फ्यूचर के लिए? मैं इसे एक ब्रेक थ्रू देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे लाहौर के जलसे ने चेंजेस लाई हैं, उसके बाद और बड़ी तादाद में लोग हमारे, वो जिस तरह इमरान खान सब के देंगे सुनामी है, वो इकट्ठा हो रहा है। तो इमरान खान की पर्सनैलिटी में इतना करिश्मा है कि उस दिन हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए लोग जाना चाहते हैं, हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, लेकर जाएंगे और मुझे लगता है अजारा में एक बड़ा बम फटेगा इससे। और आप देख रहे हैं रोज़ लोग शामिल हो रहे हैं उस जलसे के बाद, उससे भी अच्छा हमें रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, आप मानसेरा के ज़िले ही सदर भी हैं तहरीक इंसाफ के, आप मुझे ये बताइएगा कि मानसेरा सियासी एतबार से एक खासी अहमियत रखता है, यहाँ से पहले भी बहुत सारे पॉलिटिशन जो हैं वो काफ़ी अच्छे अहदों पर फाजिल रहे हैं, जो वफाक में भी रहे हैं, सूबाई असम्बलीज में भी रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं इन फ्यूचर के यहाँ से वो पुरानी एक्सपीरियंस पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगी? मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छी बात जो है, जिस तरह आपने कहा बड़ा एक्टिव है उसके लिहाज से पॉलिटिकली, ये लोग बड़े पॉलिटिकल हैं और बड़े अवेयर हैं। हमेशा मानसेरा ने कौमी सियासत, कौमी दायरे में जो तब्दीली आई है उसके साथ वोट किया है और हमारी ये हिस्ट्री है पॉलिटिकल कि बहुत नीचे से लोगों को उठाकर बहुत ऊपर ले गए। थैंक यू जी, सरदार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे सीगे राज में रखा जा रहा है कि बहुत सारी पर्सनालिटीज़ तो आएंगी लेकिन एक बहुत बड़ा नाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेगा। जैसे कि लाहौर के जलसे को कहा जा रहा है कि जी उस वो एक सुनामी थी और हज़ारे में जो जलसा खानपुर में 15 दिसंबर 2011 को अनकरीब होगा, उसको एक बॉम्ब का नाम दिया गया है सरदार खान साहब की जानब से। हमारे साथ एक और कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनसे जानते हैं, सरपरस्त आला भी हैं और इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई पार्टी है, 15 साल से अपनी जो है काम कर रही है अपने उस पर, आज वो इस मकाम पर पहुँच आई है कि इन पार्टीज़ को वो कम्पीट कर सकती है, इनका मुकाबला कर सकती है, तो क्या आया इनके सामने, क्या क्या हर्डल्स आप देख रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने देखा कि पाकिस्तान में जो आवाज़ इमरान खान आज से 15 साल लगा रहे थे, आज अमलन वो लोगों के दिलों में बचरा चुकी है। अब जहाँ तक हज़ारा डिवीजन का ताल्लुक है, इसमें दूर अफ्तादा इलाका है, इसमें शक नहीं, यहाँ पे देहाती इलाके भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो आवाज़ है, जिस सुनामी का वो नारा लगा चुके हैं, वो लाहौर की तरह
बिलखसूस मानसर और हजारा डिवीजन में घर घर पहुंच चुका है। अब जहां तक उनका ये आने का प्रोग्राम है, हमारा जो बड़ा जलसा हो रहा है हानपुर में, हरिपुर में, तो मैं ये समझता हूं कि हजारे की तारीख का ये एक इनफरादी नोयत, इनफरादी हैसियत रखने वाला बहुत बड़ा जलसा होगा। उसमें लोगों को ये बड़ी तड़प है, जब हम दिन को मिलते हैं तो हम 100 में से 30 आदमियों को जानते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा जो 100% हमें जानते हैं, उनका यही एक नारा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब आ रहे हैं, और खान साहब के लिए मर्द जन, बच्चे और ख्वातीन जो है वो दुआगो हैं कि अल्लाह करे वो उस मुल्क में आएँ, और जिस तब्दीली का वो इरादा रखते हैं अल्लाह करे कि इस पाकिस्तान में जो 64-65 साल एक सियाह दौर गुजर चुका है, उसको असर नो इस कायदे आज़म के जो असल अफकार थे, जो नज़रिए पाकिस्तान था, जो करारदाद मकासद थी, करारदाद पाकिस्तान के लिए थी, वो इंशाअल्लाह अमली तौर पर उस पर वो आएँगे। कारकुनान तहरीक इंसाफ, मेरे बुजुर्गो, नौजवान साथियों, वर्क बंदे IASF यूथ विंग तहरीक इंसाफ, जिससे ताल्लुक रखते हैं, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, आप उन सबसे बेहतर हैं जो इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं, उन सबसे बेहतर हैं। आप लोग वो हैं जो दर हकीकत अपना इंकलाब चाहते हैं और तब्दीली का निशान इमरान खान के साथ साथ। मैं अपने PTI के और अदारान का इंतहाई मशहूर हूं कि उन्होंने IASF को मौका दिया कि वो स्टेज पे आके, हमारे दूसरे पार्टी के बंदे थे इस वक्त, अगर जो भी देना देते हैं, लेकिन वो इस सोच में पड़े हुए हैं कि अब हम नहीं बच सकते, अब वो हकीकत में नहीं बच सकते, क्योंकि जिस कौम का नौजवान उठ खड़ा हो, वो नौजवान कभी बीमार नहीं खाता, वो नौजवान तकदीर पलटने की सलाहियत रखता है। और इमरान खान वो बंदा था जो 15 साल पहले अपने विजन को लेकर चला है। आप भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो चोर लुटेरे तो चले जाएंगे, कोई इंग्लैंड चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई सास के पास या साले के पास, जिस तरीके से बताया गया है पहले स्विस बैंक चली जाएंगे, उनके पास दौलत है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा कब्रिस्तान भी यहाँ, हमारा ओरमा भी यहाँ, हमारा बिछौना भी यहाँ, और फिर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौम कभी भी हमें माफ नहीं करेगी। जिनको सरकारी गिलानी मियान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। इमरान खान की कयादत में जदोजहद का आजम किया था। हम ये समझते हैं कि हमारा कायद साफ सुथरे किरदार का अमल है, और हमारे कायद ने किसी ऐसे करप्ट और गंदे अंडे को टिकट नहीं देना। ये इब्ने खल्दून जो कि एक तारीख दान था, एक मुहक्किक था, उस एक सियासी फलसफी था, वो अपने मुकदमे खल्दून में कहता है, तारीख में कहता है कि उस वक्त इस जिले का मैं इस वक्त में कुदरत उस कौम के लिए एक मसीहा पैदा कर देती है। मैं समझता हूं कि आज हम गैर बेगैरती, हम बेवकार कौम है, कोई वकार नहीं हमारा, हम बेगैरत हो चुके हैं, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मसीहा पैदा किया है। इस मसीहा को आप जाया न करें। आज इस वर्कर्स कन्वेंशन में हम तमाम लोग इस बात का ऐलान करते हैं कि किसी के सामने स्वाय खुदा के हम सर नहीं झुकाएंगे, इन बड़े बड़े वडेरों के सामने भी सर नहीं झुकाएंगे, इस अमेरिका के सामने भी सर नहीं झुकाएंगे, इस मुल्क के लुटेरों के सामने भी सर नहीं झुकाएंगे, और कोई बहुत बड़े से बड़ा खार आ जाए उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे, मुकाबला करेंगे, सीना तान के खड़े हो जाएंगे। मुस्लिम लीग के कारकुन जो नवाज शरीफ के मछवाले बने, हम में और उनमें फर्क है कि हमने किसी की सियासत से, किसी की शख्सियत से
मानूस होकर तो उस पार्टी में कदम नहीं रखा, बल्कि हमने इमरान खान के उस नजरिए की वजह से इस पार्टी में शामिल हुए जिसका उन्होंने ऐलान किया। जी तो व्यूअर्स, hazara.com.pk के प्लेटफॉर्म से आज आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर्स कन्वेंशन मानसेरा जफर ग्राउंड के बिल्कुल करीब मुनक्कद किया गया, इसमें बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों और सीनियर जो उनके रहनुमा और तंजीमी यहाँ पे जो ज़िली तंजीमें हैं उनके अराकीन ने यहाँ पर शिरकत की। और आज की इतनी बड़ी तादाद में ये वर्कर्स जो कन्वेंशन मुनक्कद हुआ यहाँ मानसेरा में, ये पाकिस्तान और स्पेशली मानसेरा में एक नई सियासी तब्दीली लेकर सामने आएगा। और 15 दिसंबर 2011 को खानपुर में जो इमरान खान का जलसा मुनक्कद हो रहा है, जो जलसे में वो इमरान खान शिरकत करेंगे, उसमें यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनका दावा है कि बहुत बड़ी रैली यहाँ से वहाँ शिरकत करेगी और उस जलसे को कामयाब बनाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए और वीडियो फुटेज के लिए और न्यूज़ बुलेटिन के लिए, ऑडियो बुलेटिन के लिए देखते रहिए, विजिट कीजिए hazara.com.pk। मुझे कैमरामैन टीकू के साथ दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।